रूस ने कोरोना के खिलाफ दवा को मंजूरी दी। रूस के अस्पताल अगले हफ्ते से कोरोना वायरस के लिए अपूर्व एंटीवायरस दवा देंगे। एबीफेविर नाम की ये दवा कोविड-19 के खिलाफ कारगर बताई जा रही है। रूस के RDIF के दिमित्रेव ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को एक इंटरव्यू में इसकी जानकारी दी। दिमित्रेव के मुताबिक दवा निर्माता कंपनी एक महीने में 60,000 लोगों के इलाज के लिए दवा बनाएगी। बंगाल में अनलॉक 1.0 के पहले दिन ही उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। पश्चिम बंगाल में अनलॉक 1.0 के पहले दिन ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आईं। बसों की भारी भरकम संख्या, बस स्टैंडों पर कार्यालय जाने वालों की लंबी कतारें और महत्वपूर्ण जंक्शनों पर ट्रैफिक की अव्यवस्था ने पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है। राज्य में इस भीड़ के बढ़ने का कारण कुछ हद तक निजी बसों को बताया जा रहा है, जो कि सरकार के दिशा निर्देशों का धड़ल्ले से उल्लंघन करते नजर आए। दिनभर में 3 लाख PPE किट बना रहा भारत। 3 महीने में खड़ी हुई सैकड़ों करोड़ की इंडस्ट्री। कोरोना संकट से निपटने के लिए किए जा रहे PPE किट के निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रोजाना अब देश में 3 लाख PPE किट बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर ही सैकड़ों करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपनी ग्रोथ को जल्द वापस पा लेगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बनाने वाला देश बना भारत। कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने घोषणा करते हुए बताया कि भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है। अब तक देश में 300 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट हो चुके हैं, जिनके जरिए 330 मिलियन मोबाइल हैंडसेट बनाए गए हैं। फ्लाइट में बीच की सीट पर बैठने के नियमों में बदलाव। सभी घरेलू एयरलाइंस कंपनियों से कहा गया कि कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर उड़ानों में बीच की सीटों को जहां तक मुमकिन हो खाली रखा जाए। साथ ही DGCA ने अपने आदेश में कहा कि अगर यात्रियों की संख्या ज़्यादा है और किसी यात्री को बीच की सीट आवंटित की जाती है तो अतिरिक्त एहतियाती उपकरण मुहैया कराया जाए। इसमें शरीर को कवर करने वाला गाउन भी दिया जाए जो वस्त्र मंत्रालय के मानकों के अनुरूप हो। इसके साथ ही मास्क और फेस शील्ड भी देने की बात भी की गई है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का 5 से 12 साल की उम्र के बच्चों पर किया जाएगा परीक्षण। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कोरोना वायरस का एक टीका तैयार किया जा रहा है, जिसका इस महीने पर बच्चों पर ट्रायल किया जाएगा। अभी तक बच्चों को इस टीके की रिसर्च से बाहर रखा गया था। वयस्कों पर हुए इसके ट्रायल में छिटपुट साइड इफेक्ट नजर आए थे। जून से शुरू हो रहे एडवांस स्टेज के ट्रायल में 10,260 लोगों पर यह टीका लगाया जाएगा। इसमें 5 से 12 साल तक की उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। घरवालों ने सोचा कोरोना से मौत हुई है, सबको सड़क पर छोड़कर घर चले गए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक शख्स की मौत हो गई। परिजन को लगा कि कोरोना से मौत हुई है, ऐसे में वे 35 वर्षीय शख्स का शव सड़क के किनारे छोड़कर चले गए। बताया गया कि ये शख्स 4 दिन पहले मुंबई से प्रतापगढ़ जिले में लौटा था। तबीयत खराब होने के बाद शख्स को प्रयागराज के SRN हॉस्पिटल में शनिवार को भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। इंडिया का नाम भारत करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। देश के नाम को इंडिया के बजाय भारत से संबोधित किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट ने बिना अगली तारीख दिए हुए याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। इस याचिका पर प्रधान न्यायाधीश SA बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई होनी थी, लेकिन CJI बोबड़े के मंगलवार को अवकाश पर होने की वजह से इसे टाल दिया गया। इससे पहले शुक्रवार को भी सुनवाई 2 जून तक के लिए टल गई थी। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें ये मांग की गई कि देश को इंडिया नहीं बल्कि भारत या हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया जाए। मुंबई की ओर बढ़ रहा तूफान निसर्ग चक्रवात ले सकता है विकराल रूप। मुंबई शहर पर निसर्ग चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। तूफान की वजह से भारी बारिश और तूफानी हवा चलने का अनुमान है। NDRF नेवी समेत तमाम रेस्क्यू एजेंसियां मुस्तैद हैं। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 12 घंटों के दौरान निसर्ग विकराल रूप ले सकता है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारत में कोरोना की सांसें फूली, जल्द ही बीमार से ज़्यादा होंगी ठीक होने वालों की संख्या। बेहद संक्रामक होने के कारण इस बीमारी की चपेट में आने वाले लोगों की तादाद तो हर रोज बढ़ रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोविड-19 से देश में मौतों का आंकड़ा घटा है और इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। धीरे धीरे ही सही पर भारत में कोरोना की सांसें फूल रही हैं और यही ट्रेंड रहा तो जल्द ही बीमार होने वालों से ज़्यादा ठीक होने वालों की संख्या होगी।